जय माता दी बंधुओ, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे होंगे। बंधुओं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के अप्रैल, मई और जून माह के भविष्य फल के बारे में। तो बंधुओं, इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में ही आपको हमारे एक और वीडियो के लिंक दिखाई दे रही होगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपके जीवन में कुछ न कुछ ज्ञान ज़रूर आएगा। अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला होगा। व्यापार व कार्य क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। सूर्य का गोचर मीन राशि में उच्च का होकर के शुक्र के साथ बैठना सुख संबंधी योग बनाता है। वैवाहिक जोड़ों के लिए समय बेहतरीन रहेगा। आपका संबंध और भी मजबूत होगा, परंतु प्रेमी जातकों के लिए समय को अच्छा नहीं कह सकते हैं। आप दोनों के बीच में मतभेद व झगड़ा होने की अधिक संभावनाएं हैं, जिसके कारण मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विदेश संबंधी योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि फल 2021 के अनुसार दूसरे तिमाही का मध्य चरण वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस महीने राशि के स्वामी मंगल की दृष्टि भाग्य व लग्न पर रहेगी, जो लाभ संबंधी योग बनाएगा। सूर्य का गोचर होकर के मेष में उच्च के होकर के सुख भाव में विराजमान होंगे, जो आपके सुख में वृद्धि करेगा। शुक्र बुध का उसी घर में जाकर के एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाना प्यार करने वालों के लिए समय अच्छा बनाएंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन वालों के लिए यह संघर्षमय हो सकता है। आप दोनों के बीच में मतभेद हो सकता है, मन स्थिर नहीं रहेगा। कार्य क्षेत्र वालों के लिए उत्तम समय है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। स्वास्थ्य सही रहने के संकेत हैं, धन लाभ होता दिखाई दे रहा है। जून का महीना भी वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला होगा, क्योंकि राशि का स्वामी कार्य क्षेत्र का स्वामी होकर त्रिकोण में भाग्य के स्वामी के साथ एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहे हैं, जो कार्य क्षेत्र में सफलता, प्रमोशन व इंक्रीमेंट संबंधी योग आपके लिए बनाएंगे। सूर्य का गोचर कर वृष राशि में आना बिजनेस वालों के लिए थोड़ा बिजनेस के प्रति मन में शंका बना सकता है। प्रेम व वैवाहिक जीवन वालों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। साथी से साथ कुछ बेहतरीन पल आप बिता सकते हैं। धन का अच्छा योग है, धन लाभ होगा। निवेश से भी धन लाभ होने की संभावनाएं हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से समय को अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का शनि के साथ 12वें घर में बैठना एक विश्व योग बना रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कह सकते हैं। इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि 2021 के अनुसार ये साल मिले जुले परिणाम देने वाला साबित होगा। इस साल जहां एक तरफ आपकी विदेश यात्रा के योग बनते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा साल 2021 करियर के लिहाज से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण जाने वाला होगा। इस पूरे वर्ष भर राहु वृश्चिक राशि के जातकों के सप्तम भाव में रहने वाला है, जिससे साल भर उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी। इस साल अगर आप कोई भी काम करने की सोच रहे हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझकर कदम उठाने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपकी नौकरी को भी खतरा हो सकता है। वहीं आर्थिक पहलू के हिसाब से बात करें तो ये साल वृश्चिक जातकों के लिए काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीद है। हालांकि साल की शुरुआत में बेशक थोड़ा खर्चा होने की आशंका है, लेकिन इस साल आप धन संचय करने में भी कामयाबी हासिल कर लेंगे।
इसके अलावा अगर आप कोई बरसों पुराना वाद विवाद भी चल रहा है तो इस साल उसमें भी आपको जीत हासिल हो सकती है। इस बार अगर कोई जातक किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने की सोच रहे हैं तो साल 2021 ये काम करने के लिए सबसे उत्तम है। इस साल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर कोई जातक कदम रखना चाहता है तो ये साल आपके लिए एक दम सही है। इसके अलावा बात अगर वृश्चिक राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन की करें तो साल 2021 उनके लिए काफ़ी उथल पुथल मचाने वाला साबित हो सकता है। इस साल आपको अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना आपके माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं झेलना पड़ सकती हैं। इस साल खासकर आपको आपके पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, अन्यथा उन्हें कोई बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपका साल 2021 बेहतर जाने की उम्मीदें हैं। प्रेम में पड़े जातकों को इस वर्ष खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, अन्यथा उनकी कोई भी छोटी सी बात किसी बड़ी लड़ाई की वजह बन सकती है। प्रेम के मामलों में आपके लिए ये साल थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने की आशंका है। इसके अलावा इस पूरे साल शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव में रहने के कारण प्रेमी जोड़ों में गहरा प्रेम देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको इस नए साल में बहुत सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इस साल अगर आपको कोई रोग या कोई बीमारी होती है तो उससे आपको जल्दी छुटकारा मिल पाएगा, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को लेकर पहले से ही सतर्क रहें तो बेहतर रहेगा। वृश्चिक करियर राशि फल 2021 के अनुसार इस राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से ये साल काफ़ी चुनौतीपूर्ण जाने वाला है। इस साल शनि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में स्थिर होगा, जिससे आपके मेहनत के प्रबल योग बन रहे हैं। ऐसे में अगर अपने इस साल आलस दिखाने की सोची तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आलस करने से कार्य क्षेत्र में असफलता मिलने के भी योग हैं। इस साल अप्रैल और मध्य जून का समय काफी मुश्किलों भरा जाने वाला है। इन महीनों के दौरान अगर आप कोई भी काम करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं, वरना आपको आपकी नौकरी जाने का खतरा भी हो सकता है। बंधुओं, ये था वीडियो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबाएं और ऑल जरूर सिलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।